वेलकम टू मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के सभी युवा जो मध्य प्रदेश जेल प्रहरी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी रोज रात 9 बजे जेल प्रहरी परीक्षा की तैयारी के लिए लाइव जरूर आएं। और हमारे द्वारा आपको संपूर्ण तैयारी पिछले जेल प्रहरी परीक्षा के पैटर्न के अनुसार कराई जा रही है। पूरी तैयारी सिलेबस के अनुसार हम आपको करा रहे हैं। सभी प्रश्न हम आपको पिछले पैटर्न के अनुसार उपलब्ध करा रहे हैं। मित्रों, हमेशा याद रखिएगा कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन जो इसीलिए बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें। ओके, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिएगा भाई। अगर आप मन से हार गए, आपने अभी हिम्मत हार ली कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो कभी भी सफलता हासिल नहीं हो सकती है। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। बहुत ही अच्छा, आंसर जरूर कमेंट करता जाए हर स्टूडेंट। तो भाई, इसका सही जवाब होगा कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था लेमार्क और ट्रेवरेनस ने। ओके, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया भाई? लेमार्क और ट्रेवरेनस ने किया था। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, आगे बढ़ते हैं। और हमेशा याद रखिएगा, लेमार्क और ट्रेवरेनस ने वर्ष 1801 में इस शब्द का यूज किया था, जीव विज्ञान या बायोलॉजी शब्द का। अगला प्रश्न है कि जीव विज्ञान के जनक या फिर फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई। तो फादर ऑफ बायोलॉजी या फिर जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है अरस्तु को। किनको भाई? अरस्तु को। कभी प्रश्न इस तरह से भी पूछ लिया जा सकता है, क्योंकि फादर ऑफ बायोलॉजी है, कि अरस्तु कहाँ के थे? तो भाई, अरस्तु ग्रीक के थे। कहाँ के? ग्रीक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि जंतु विज्ञान या फिर जूलॉजी के जनक किसे कहते हैं? जूलॉजी के जनक कौन कहलाते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जंतु विज्ञान या फिर जूलॉजी के जनक कहलाते हैं कौन भाई? तो इसका सही जवाब है अरस्तु। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है कि जंतु विज्ञान या फिर जूलॉजी के जनक भी अरस्तु कहलाते हैं। अब इसके अलावा कुछ अन्य चीजें आप यहाँ पर समझ लीजिएगा कि हल्का सा अंतर क्या है। देखिएगा, मैंने बताया कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया? लेमार्क और ट्रेवरेनस ने। रिवीजन भी कीजिएगा साथ ही साथ, तो बोलिएगा चीजों को। लेमार्क ट्रेवरेनस ने बायोलॉजी शब्द दिया है, सॉरी, जीव विज्ञान शब्द दिया। इसके बाद अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। ओके, और क्या है भाई? अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। इज दैट क्लियर? अब बात आती है, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कौन है? फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कौन है? तो फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी भी अरस्तु ही है। कौन कौन हो गए? तो फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कौन है भाई? अरस्तु। इसके बाद आती है बात फादर ऑफ बॉटनी की, तो फादर ऑफ बॉटनी है भाई कौन? अगले प्रश्न में हम वही देखने वाले हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी या सॉरी वनस्पति शास्त्र या बॉटनी कौन है भाई? थियोफ्रास्टस। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। तो हल्का सा अंतर है, कभी भी गलत मत कर देना। मैं पिछले स्लाइड पर आपको फिर से लेकर आता हूँ। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रास्टस। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? अरस्तु। फादर ऑफ बायोलॉजी भी अरस्तु। फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी भी अरस्तु। तो अरस्तु तीन तीन। ओके, और फादर ऑफ बॉटनी कौन? थियोफ्रेस्टस। भाई, 3 बार मैंने चीजों को रिपीट इसलिए किया है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है। जोर इसलिए दे रहा हूँ, हमारी हमारी साख खराब नहीं हो जाए। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, यहाँ से प्रश्न बनता है भाई सीधे सीधे परीक्षा में। ओके, सीधे सीधे परीक्षा में प्रश्न बनता है। दीपक जी, क्या कन्फ्यूजन है? हमेशा याद रखिएगा, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु है। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? अरस्तु है। और फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कौन है? अरस्तु है। विज्ञान की इन शाखाओं पर विशेष स्टडी इन्हीं ने किया था, शुरुआत में इन्होंने ही इसकी खोज की थी। ओके, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। और अगर हम बात करें वनस्पति शास्त्र की या फिर बॉटनी की, तो सबसे अच्छे से अध्ययन शुरुआत में किसने किया था? थियोफ्रास्टस ने किया था, विशेष रूप से। ओके, इसलिए इन्हें इसका जनक कहा जाता है। अब
हम बात की लेते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी की कुछ ब्रांचेस हैं, देखिएगा एनाटॉमी, एनाटॉमी ब्रांच जो होती है उसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न बनता है कि निम्न में से विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत जो है बॉडी पार्ट्स का स्टडी किया जाता है, तो एनाटॉमी के अंतर्गत। ओके, क्या है भाई, स्टडी ऑफ बॉडी पार्ट्स किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, एनाटॉमी के अंतर्गत। तो वहीं पर बॉटनी, बॉटनी क्या है भाई, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसका स्टडी किया जाता है, बॉटनी में स्टडी ऑफ प्लांट्स। ओके, आपको दिख रहा होगा, क्वालिटी थोड़ा अच्छी कर लीजिएगा इस इमेज को देखने के लिए। वहीं बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, ओके, बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रश्न क्रम। आप चौथे नंबर पर जो देख रहे हैं साइटोलॉजी, यहाँ से प्रश्न बनता है स्टडी ऑफ सेल, जिसमें कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है, उस विज्ञान को हम क्या कहते हैं भाई, कोशिका विज्ञान या फिर अंग्रेजी में साइटोलॉजी कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम क्या है भाई, कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं। इसके बाद बात आती है इकोलॉजी, इकोलॉजी क्या होता है भाई, जिसमें हम स्टडी करते हैं किसका भाई, एनवायरमेंट का। ओके, जिसमें हम पर्यावरण का अध्ययन करते हैं उसे इकोलॉजी कहते हैं। आगे एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी में भाई स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, इज दैट क्लियर, वो क्या है भाई, एम्ब्रियोलॉजी है। अब बात आती है एंटोमोलॉजी, तो इसमें भाई इंसेक्ट्स का स्टडी किया जाता है, ओके, एंटोमोलॉजी के अंतर्गत। तो वहीं पर हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत स्टडी ऑफ ग्रोइंग का जो है स्टडी किया जाता है, ओके, वृद्धि के बारे में। अगला है इम्यूनोलॉजी, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम के अंतर्गत, सॉरी इम्यून सिस्टम का स्टडी किया जाता है इम्यूनोलॉजी के अंतर्गत। अब देखिए यहाँ से जहाँ से प्रश्न बहुत तो ज़्यादा बनते हैं वो मैं आपको टिक किए देता हूँ, एनाटॉमी, स्टडी ऑफ बॉडी पार्ट्स, बॉटनी, ओके, साइटोलॉजी, इकोलॉजी, ओके, यहाँ से अधिक प्रश्न बनते हैं, और एम्ब्रोलॉजी, बस यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो भाई उषा त्रिपाठी, वर्ग 3 होगा, 26 तारीख से ही 100% होना तय है, क्योंकि पूरे देश में सभी परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं। तो हमेशा याद रखिएगा भाई, चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। किसको, हिप्पोक्रेटस को। मैं आपको एक बात बता दूं, एक और प्रश्न बनता है, जब भी जो डॉक्टर बनते हैं, ओके, जैसे कि पुलिस वाले, जब पुलिस की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है उसके बाद उन्हें शपथ दिलाई जाती है, ठीक उसी तरीके से चिकित्सा शास्त्र में डॉक्टर्स को शपथ दिलाई जाती है, किसके बारे में भाई, हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है, ओके, कि हम जो है अपने कर्तव्य का बड़े अच्छी तरीके से निर्वहन करेंगे, इस तरह से। ओके, किसके बारे में भाई, हिप्पोक्रेटस कौन है, चिकित्सा शास्त्र के जनक है, और इन्हीं के संबंध में जो है शपथ दिलाई जाती है डॉक्टर्स को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। सोनू, जूली, उषा, किरण, नितेश, बहुत बढ़िया, सभी स्टूडेंट आंसर जो कमेंट करते जाएं। सबसे पहले एमपी पुलिस ने आंसर दिया है विकल्प डी, संतोष बी, संतोष बी बता रहे हैं। तो इसका सही जवाब होगा भाई कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति, बॉटनी अर्थात वनस्पति विज्ञान, या कहें हम क्या भाई, पादप विज्ञान। ओके, एक भाई बॉटनी होता क्या है भाई, विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत पादपों का अध्ययन किया जाता है, पादप अर्थात पेड़ पौधे, ओके, जिसके अंतर्गत पादपों का अध्ययन किया जाता है भाई, बॉटनी होता है, ओके। और ये शब्द जो है किस भाषा का है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है भाई, जिसका अर्थ होता है बॉटनी का क्या होता है भाई, घास या फूस, ओके, घास या फूस, क्योंकि ये ग्रीक शब्द बोटाने से बना हुआ है, किसके, बोटाने, ओके, ग्रीक शब्द बोटाने से बोटनी बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है घास या फूस। अगला प्रश्न है हिस्टोरिया कौन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा ऐसे प्रश्न हमने लिए हैं जो अधिकांशतः पूछे गए हैं, व्यापम के द्वारा पूछे गए हैं। तो हिस्टोरिया प्लांटिनम पुस्तक के लेखक हैं भाई थियोफ्रेस्टस, ओके, कौन है भाई, थियोफ्रेस्टस, विकल्प 20 का सही जवाब है, बहुत ही बढ़िया। देखिएगा सभी का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल चलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, देखिए अभी हमने कौन सी बुक देखी,
हिस्टोरिया प्लांटेरम, याद रखिएगा, थियोफ्रेस्टस। ओके, अब है हिस्टोरिया एनिमेलियम, कौन है भाई? हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनमें बेसिक सा डिफरेंस कभी गलत ना कर दीजिएगा जल्दबाजी में। ओके, तो हिस्टोरिया प्लांटेरम के लेखक कौन भाई? थियोफ्रेस्टस। प्लांटेरम के कौन? थियोफ्रेस्टस। अब है एनिमेलियम, तो भाई एनिमेलियम के कौन होंगे? अरस्तु होंगे। अब दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि एनिमेलियम के अरस्तु क्यों होंगे? देखिएगा, एनिमेलियम अर्थात जीव जंतु। ओके, एनिमल। ओके, जीव जंतु, मैं लिंक कर रहा हूँ चीज़ों को, गलत नहीं होगा उससे प्रश्न। और अरस्तु को किसका फादर कहा जाता है भाई? अरस्तु को बायो का फादर कहा जाता है। ओके, और जूलॉजी का भी फादर कहा जाता है अरस्तु को। ओके, इसीलिए क्या है, एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन रहेंगे? जूलॉजी से रिलेटेड, इसीलिए अरस्तु रहेंगे। तो वहीं पर प्लांट अर्थात पादप, और पादप अर्थात जिसमें पादपों का अध्ययन किया जाता है, उस विज्ञान को क्या कहते हैं भाई? हमने अभी देखा बॉटनी। ओके, और बॉटनी के फादर थियोफ्रेस्टस हैं, तो थियोफ्रेस्टस प्लांटेरम पुस्तक को जो है लिखेंगे। ओके, कभी गलत नहीं होगी, चीज़ों को जोड़ लिया करो। अगला प्रश्न है कि चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? बस यही प्रश्न अभी मैंने आपसे किया था जब हमने देखा था कि चिकित्सा शास्त्र का फादर किसे कहा जाता है, चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है। तभी मैंने आपको बताया था कि जो डॉक्टर्स रहते हैं उनको चिकित्सा शास्त्र के फादर या फिर चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस की क्या है भाई? शपथ दिलाई जाती है हर एक डॉक्टर को। ओके, तो भाई जनरल सा जीके का प्रश्न मिल गया, कितनी बढ़िया है। कोई भी पूछे तो फटाक से बता देना, अरे भाई आप डॉक्टर बने हो तो आपने होगी हिप्पोक्रेटस की शपथ तो ली होगी, पैसे मतलब फालतू के। ओके, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवनधारी के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? ऐसा विज्ञान जिसका संबंध जीवनधारी के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? देखिएगा, आसान सा प्रश्न है, अगर आप कॉमन सेंस तब भी आप ये सही लपेट देंगे इस प्रश्न को, कि आपसे गलत नहीं होगा। देखिएगा, जैसे कि रामाशंकर, नीतीश, दीपक, किरण, जूली, उषा, संतुष्ट, चेतन, सभी विकल्प क्या बता रहे हैं? डी, रामाशंकर, बहुत बढ़िया, विकल्प डी बता रहे हैं कि जीव विज्ञान। भाई आपका 100% सही है आपका। देखिएगा, ऐसा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या भाई? जीवनधारियों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है, अर्थात बायोलॉजी कहलाता है। मैं एक प्रश्न और करना चाहूँगा, छोटा सा बड़ा प्यारा प्रश्न है, बायोलॉजी या जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था भैया? बायोलॉजी या जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था? कमेंट करके बताओ। तब तक 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कमेंट करके बताओ बायोलॉजी या जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था? आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न था, सबसे पहला प्रश्न था कि शब्द किसने दिया था। मैं, आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे शब्द पूछ रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बायोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है। अरस्तु ने नहीं दिया था, अरस्तु को बायोलॉजी का फादर कहा जाता है भाई। लेमार्क और ट्रेवरेनस, कौन? लेमार्क और ट्रेवरेनस ने बायोलॉजी शब्द दिया था, सबसे पहला प्रश्न था और भूल गए। ये होती है पढ़ाई, बस जैसी राधे, चलने दो भाई। चलिए, तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? और तीसरे या चौथे पेज पर हमने काफ़ी ब्रांचेस देखी थी, जैसे कि साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है। ओके, जिस विज्ञान के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है उस विज्ञान को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के अंतर्गत किसका भाई? कोशिका का या सेल का अध्ययन किया जाता है। ओके, तो देखिएगा, सेल साइटोलॉजी। ओके, उसी तरीके से फाइकोलॉजी अर्थात शैवाल, फाइकोलॉजी अर्थात शैवाल का अध्ययन रख लीजिएगा, साइकोलॉजी अर्थात सेल का अध्ययन, सॉरी साइटोलॉजी अर्थात सेल का अध्ययन, फाइकोलॉजी अर्थात शैवाल का अध्ययन। इज दैट क्लियर? ऐसा विज्ञान जिसमें क्या है? शैवाल का अध्ययन किया जाता है, फाइकोलॉजी कहा जाता है। प्रश्न है कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ये भाषा नहीं, शाखा समझिएगा। ओके, तो पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की कौन सी शाखा के अंतर्गत किया जाता है? श्याम कलिसाह, जूली, चेतन, उषा, संतोष, नीतीश, दीपक, रमाशंकर। ओके, विकल्प ए, सी, सी, दीपक सी बता रहे हैं, रमाशंकर सी,
बहुत बढ़िया कि पारिस्थितिकी अर्थात इकोल, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। ओके, सामान्य जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न एक तरीके से, तो पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है पारिस्थितिकी या फिर इकोलॉजी के अंतर्गत। ओके, अगला प्रश्न है, संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो हमेशा याद रखिएगा, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। फूल फ्लावर, फूल अर्थात फ्लावर और फ्लावर अर्थात फ्लोरिकल्चर, कहाँ गया? फ्लोरिकल्चर। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखिएगा, जिन प्रश्नों में ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है उन पर ज़्यादा समय व्यतीत तो नहीं करेंगे। ओके, देखिए डेंड्रोलॉजी क्या होता है, तो भाई हमेशा याद रखिएगा, डेंड्रोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, कितने लोगों का सही निकलेगा, मैं इंतजार कर रहा हूँ इस प्रश्न के बारे में, क्योंकि अच्छा प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और अधिकांशतः लोग इसे गलत करेंगे, 99% स्टूडेंट इसे गलत करेंगे। कृष्णा बता रहे हैं सी, जूली बता रही हैं बी के वृक्षों के अध्ययन को। ओके, तो ओके, श्यामकली सी, संतोष सी, अब किरण बी, मैं इंतजार करूँ सभी लोग आंसर कमेंट करें, क्योंकि अभी तक जिन्होंने आंसर बताया ना सभी का गलत है, सभी का 100% गलत है। ओके, नीतीश, जूली, संतोष, किरण, सभी का गलत है। ओके, आइए तो बताते हैं भाई, डेंड्रोलॉजी का संबंध होता है, दीपक धाकर बिल्कुल सही जवाब, विकल्प डी, डेंड्रोलॉजी अर्थात वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है। ओके, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है डेंड्रोलॉजी कहलाती है। ओके, डेंड्रोलॉजी। अगला प्रश्न है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? बाद में तो कई आंसर्स आ गए काफ़ी समय के बाद, सबसे पहले दीपक का सही था, फिर उमा शंकर, फिर दीपक पालीवाल का। ओके, सबसे पहले दीपक धाकड़ का सही था, फिर श्यामकली शाह ने पहले कुछ अलग बताया, बाद में चेंज किया। तो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, बड़े ही शानदार प्रश्न है। ओके, तो आज हम विज्ञान की विभिन्न शाखाएं बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ से अगर प्रश्न बन जाए ना किसी भी तरीके से गलत नहीं होगा आपसे। तो पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। क्या भाई? एंथोलॉजी कहलाता है पुष्पों का अध्ययन। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है किसका? जीवाश्म वनस्पति विज्ञान, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है भाई किसका? जीवाश्मों का, भाई जीवाश्मों का। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है, विकल्प बी इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? विकल्प डी, नीतीश ने जब बताया कि हॉर्टिकल्चर कहते हैं वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को, हमेशा याद रखिएगा हॉर्टिकल्चर। ओके, क्या भाई? हॉर्टिकल्चर। ओके, देखिएगा, हॉर्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनाज, फूलों और पौधों को उगाने से लेकर और पौधों को उगाने से लेकर उनकी मार्केटिंग तक का अध्ययन किया जाता है। ओके, उगाने से लेकर कहाँ तक भाई? मार्केटिंग तक का अध्ययन किया जाता है, वही क्या है भाई? हॉर्टिकल्चर होती है विज्ञान की शाखा। अगला प्रश्न है, जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? अच्छा प्रश्न है, चीजों को समझिएगा, जीवों और वातावरण की अंतःक्रिया, किस किस की? जीवों की और वातावरण की अंतर अभिक्रिया, इन दोनों की अंतर अभिक्रिया, जो अभिक्रिया होती है दोनों में जो संबंध रहता है उससे संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? ये छठवां वीडियो है, ओके, साइंस का, शायद चौथे या फिर पांचवें वीडियो में हमने आपको इसकी परिभाषा भी दी थी, पारिस्थितिकी की या फिर इकोलॉजी की परिभाषा भी हमने आपको बताई थी। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब, हमने परिभाषा में क्या कहा था भाई? विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव समुदाय
जिसमें जीव समुदाय और उसकी वातावरण, किस किस का भाई, जीव समुदाय और उसके वातावरण का पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है ना, वही पारिस्थितिकी या फिर इकोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। अंजलि, बिल्कुल आपका सही, बहुत बढ़िया। अंजलि, उषा, अनीश द्विवेदी, जूली, सलीम खान, नीतीश, चेतन, कृष्णा, श्यामकली, जितेंद्र, संतोष, रमाशंकर, दीपक पालीवाल, दीपक धाकर। बहुत बढ़िया, विकल्प डी सभी ने जो है बताया था, डी बी सी। देखिए अब सभी के अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। दीपक पालीवाल सी, उमा शंकर सी, दीपक धाकर सी, नीतीश श्रीवास्तव बी, कृष्णा सी, और फाइकोलॉजी सी, ओके, दीपक पालीवाल, श्यामकली बी, चेतन सी। देखिए सभी के अलग अलग आंसर आ रहे हैं, तो देखिए कुछ लोग सी बता रहे हैं तो कुछ लोग बी बता रहे हैं, कहीं ना कहीं देखिए असमंजस की स्थिति तो बनी हुई है। तो इसका सही जवाब है कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है वो फाइकोलॉजी होता है। देखिए ये प्रश्न रिपीट हुआ है इसी क्लास में, इसलिए आपसे गलत नहीं होना चाहिए था। जब इससे पहले आया तो याद कीजिए मैंने कैसे बताया था, शैवालों का अध्ययन किस किया जाता है उसे क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी। साथ ही साथ मैंने यहाँ स्क्रीन पर लिखा था सेल का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं साइटोलॉजी, फिर मैंने ऐसे ट्रिक बताई थी सेल का अध्ययन तो साइटोलॉजी, ओके, और शैवाल का अध्ययन तो फाइकोलॉजी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि सिल्वी कल्चर वनस्पति विज्ञान की कौन सी शाखा है जिसमें किसका वर्णन किया जाता है भाई, सिल्वी कल्चर में, सिल्वी कल्चर में किसका वर्णन किया जाता है। देखिए मैं एक शब्द लिख लीजिएगा, सिल्वी कल्चर को हिंदी में कहते हैं वन वर्धन, क्या कहते हैं, वन वर्धन कहते हैं सिल्वी कल्चर को हिंदी में, ओके। तो देखिएगा वनों को लगाने, उनके विकास, वनों की संरचना, वनों का स्वास्थ्य और वनों की गुणवत्ता, इस सब के नियंत्रण, इन सब को नियंत्रित करना ही सिल्वी कल्चर कहलाता है, ओके। तो वनों के विकास से संबंध ये रखता है, किससे भाई, सिल्वी कल्चर का संबंध किससे हुआ, वनों के विकास से, ओके। तो सिल्वी कल्चर क्या होता है, विज्ञान की ऐसी शाखा होती है जिसमें वनों को लगाने, वनों के विकास, वनों की गुणवत्ता, इन सब का अध्ययन किया जाता है, ओके, और इनमें सुधार किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, ये तो कोई गलत नहीं करने वाला है, अगर ये भी गलत कर दिया तो क्या कहने हैं आप लोगों के। चलेगा तो इसका सही जवाब क्या होगा भाई, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। बहुत बड़ी, देखिएगा चेतन, जूली, शिवराज ठाकुर और हृदय सिंह राजपूत, उषा त्रिपाठी, नीतू अग्रवाल, नीतू अग्रवाल ने भी बताया था, बहुत बढ़िया, फाइकोलॉजी, ओके, बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो इसका सही जवाब क्या होगा भाई, इसका सही जवाब संतोष और चंदन भदौरिया, बिल्कुल सही है आप दोनों, ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है, ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है कि स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है, ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है, विकल्प ए इसका सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न है, एग्रोस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, एग्रोस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई, एग्रोस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। अगर आपने, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो जो कि कई दफ़ा आपने पढ़े होंगे, ओके, और कुछ ज़्यादा ही रिपीट होते हैं, तो ठीक उसी तरीके से यह प्रश्न भी ऐसा है जो कुछ ज़्यादा ही क्या है भाई, रिपीट होता है। एग्रोस्ट्रोलॉजी में भाई ग्रहों का अध्ययन किया जाता है, विकल्प सी इसका सही जवाब है, विकल्प सी इसका सही जवाब है, दीपक पालीवाल, ओके, नीतेश, अद्वैत स्टडी। चलेगा अगला प्रश्न है कि फीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, फीडोलॉजी या पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो फीडोलॉजी या पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है मिट्टी का, किसका भाई, मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी कहते हैं, ओके। क्या है भाई, पेडोलॉजी किसे कहते हैं, जिसमें भूमि का अध्ययन किया जाता है या मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, इज दैट क्लियर, उसे क्या कहते हैं, पेडोलॉजी कहते
कहते हैं। अच्छा प्रश्न है भाई। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। अब देखिए, आप कहें कि भाई इतनी हम कि कौन किसका जनक है इतने सारे याद रखेंगे, भाई मत रखो ना, मत रखो। लेकिन जब हम आनुवंशिकता टॉपिक पढ़ते हैं तब ये चीज़ें पढ़ते होंगे ना, जब हमने एजी का जो टॉपिक पढ़ते हैं, कृषि फसलें वगैरह पढ़ते हैं, तब वहाँ से प्रश्न बनते हैं ना। बस चीज़ें ये हैं कि हम बेसिक टॉपिक वाइज हर टॉपिक में दो दो चार चार पढ़ते थे, अब हमने प्रश्न पूरे के पूरे कैसे ले लिए हैं, इकट्ठे ले लिए हैं और कुछ भी नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या होगा भाई, आनुवंश के विकल्प सी इसका सही जवाब है। चेतन सोलंकी कैसे हो सकता है भाई बी, ओके विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है। नीतू अग्रवाल बिल्कुल सही जवाब, उमा शंकर, श्याम कली, संतोष चंदन, रमा शंकर बिल्कुल सही, दीपक धाकर बिल्कुल सही था, शिवराज ठाकुर अभी 17 का बी बता रहे हैं, अच्छा लेट चल रहे हैं। तो भाई पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या क्या कहलाता है, इसका सही जवाब है कि पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है भाई वर्गीकी। ओके क्या कहलाता है, वर्गीकी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। हमेशा याद रखिएगा कि फलों का अध्ययन कहलाता है क्या, विकल्प एम एल वंकर, संतोष एन वी गेमर बहुत बढ़िया, और चंदन एन वी गेमर विकल्प ए कह रहे हैं भाई, फलों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी कहलाता है जी, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ओके उमा शंकर डी पोमोलॉजी, एन वी गेमर ए बिल्कुल गलत है। सभी का देखिए, दीपक पालीवाल, नीतू अग्रवाल, उमा शंकर, चंदन भदौरिया, ओके बिल्कुल सही जवाब है विकल्प डी। ओके जो जो मैंने नाम लिए उनका सही जवाब है, जूली कदम पहले आपने सी फिर डी किया है। ओके तो पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी। अगला प्रश्न है, देखिएगा ये जो है पेडोलॉजी, पेडोलॉजी किसका अध्ययन होता है कमेंट करके बताइएगा, प्रश्न हो चुका है। परागण का अध्ययन क्या कहलाता है, परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है, परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है। जब इससे पहले बीजों का अध्ययन जब हमने पढ़ा था तब कई लोगों ने वहाँ हमसे कमेंट किया था कि परागकणों का अध्ययन जो है, ओके अब बताइएगा परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो हमेशा याद रखिएगा, तो परागकणों का अध्ययन कहलाता है पेलेनोलॉजी, क्या भाई, पेलेनोलॉजी पराग कणों का अध्ययन कहलाता है, विकल्प बी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 28 आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न क्रमांक 28 आपकी स्क्रीन पर है भाई, कि संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है। विकल्प बी उमा शंकर, संतोष, नीतू, बहुत बढ़िया, सबसे पहले जवाब दे रहे हैं तेजी के साथ। तो हमेशा याद रखिएगा, संसार में पौधों का वितरण, बॉटनिकल ज्योग्राफी, ओके देखिएगा हमेशा याद रखें, बॉटनिकल ज्योग्राफी या फिर जैव भूगोल की वह शाखा है जो पृथ्वी के भिन्न क्षेत्रों पर विभिन्न वनस्पति जातियों के फैलाव के अध्ययन पर केंद्रित होता है, और इसे भाई हम क्या है, फाइटो जियोग्राफी कहते हैं। ओके फाइटो जियोग्राफी। अगला प्रश्न है, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है जी, वर्गीकरण टेक्सोनॉमी बिल्कुल। तो भाई इसका सही जवाब क्या होगा, तो हमें से याद रखें, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है भाई ओलेरिकल्चर, क्या भाई, ओलेरिकल्चर, विकल्प ए इसका सही जवाब है, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है ओलेरिकल्चर, बिल्कुल सही जवाब। जूली, नीतू, सलीम, दीपक, उमा शंकर, नीतीश, चंदन, उषा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, वार्षिक वलयों या फिर एनुअल रिंग्स का अध्ययन क्या कहलाता है। एनुअल रिंग्स से मुझे याद आया, हमने एक प्रश्न देखा था पिछली क्लास में, किसी भी वृक्ष की आप आयु कैसे बता सकते हैं, क्या आयु उसकी हाइट देखकर आप बता देंगे कि पेड़ जितना लंबा होगा उतनी उसकी आयु होगी, क्या उसकी आयु पर निर्भर करती है,
उसकी लंबाई पर निर्भर करती है, उसकी आयु नहीं। आप बलय देखकर बता सकते हैं बलयों के द्वारा कि कोई पेड़ कितना कितने वर्ष पुराना है। ओके, काफी लोगों ने बताया था कि लंबाई के द्वारा हम बता देंगे पेड़ कितना वर्ष पुराना है। तो इसका सही जवाब है वार्षिक बलयों का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्या भाई? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ओके, अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि हम ये प्रश्न पढ़ चुके हैं, डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, इसी क्लास में पढ़ा है डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है और हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तब तक अगला प्रश्न है कि सजावटी वृक्ष और झाड़ियों में संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, सजावटी वृक्ष और झाड़ियों में संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है। शिवराज, एनवी गेमर, जूली, बहुत ही बढ़िया। एनवी गेमर भी बिल्कुल तुरंत तेजी के साथ आंसर कमेंट कर रहे हैं। जितेंद्र गांगले, तो भाई इसका सही जवाब क्या होगा, सजावट के वृक्ष और झाड़ियों में संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है आर्बोरिकल्चर। क्या भाई? आर्बोरिकल्चर। अगला प्रश्न है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है। हमेशा याद रखें, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी। क्या भाई? शारीरिकी। अगला प्रश्न है कि पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है। कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो हमेशा याद रखें कवक क्या है भाई, कवक या फफूंद। ओके, इसमें फफूंद या कवक, देखिएगा फफूंद या कवक एक प्रकार के जीव हैं जो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं भाई, कवक या फफूंद। कवक या फफूंद एक जीव होते हैं जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं। ओके, सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं अपना भोजन, कौन? कवक या फफूंद। अगला प्रश्न है, एग्रोफॉरेस्ट्री क्या है। एग्रोफॉरेस्ट्री क्या है बताइएगा, एग्रोफॉरेस्ट्री के अंतर्गत क्या किया जाता है भाई, इसका सही जवाब क्या होगा। तो भाई एग्रोफॉरेस्ट्री के अंतर्गत क्या किया जाता है, इसका सही जवाब है कि एग्रोफॉरेस्ट्री के अंतर्गत कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाने का अध्ययन किया जाता है या फिर यह सब किया जाता है। ओके, क्या किया जाता है कि कृषि के साथ साथ तो उस भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाए जाते हैं एग्रोफॉरेस्ट्री के अंतर्गत। प्रश्न है, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है। फिर से प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, बस पूछने का ढंग बदल गया है। जो है डिटेल में समझाया था आपको पहले, वही प्रश्न है। तो वृक्ष संवर्धन क्या है, वृक्षों और वनस्पति की खेती है। अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य की पृथक्करण और संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। क्या भाई? जीव द्रव्य की पृथक्करण और संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। तो इसका सही जवाब है भाई, यह टिशू कल्चर कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? टिशू कल्चर, विकल्प सी इसका सही जवाब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, व्यापम के द्वारा पूछा गया प्रश्न है और सामान्य रूप से ये किताबों में आपको नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक कौन सा एक सही या सुमेलित नहीं है। यहाँ पर सही जोड़ी कौन सी नहीं है, कमेंट करके आपको बताना है भाई। तो इसका सही जवाब है सब्जियों की खेती, हॉर्टिकल्चर। ओके, अब आप बताइएगा साग सब्जी का अध्ययन जो किया जाता है उस शाखा को क्या कहते हैं। विज्ञान की वो कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत साग सब्जी का अध्ययन किया जाता है, ये प्रश्न हम पढ़ चुके हैं। ओके, अब देखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, जिसमें फूलों की खेती का अध्ययन किया जाता है फ्लोरिकल्चर। फसलों की खेती का अध्ययन किया जाता है एग्रोनॉमी।
फलों की खेती का अध्ययन किया जाता है पोमोलॉजी। अब आप मुझे बताएंगे साग सब्जी की खेती का जो अध्ययन किया जाता है उस शाखा को क्या कहते हैं। प्रश्न है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? आसान सा प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न आज हमने यही पढ़ा था। एक बार तो आप इसका गलत जवाब दे ही चुके हैं जब बीच में ये प्रश्न आया, अब फिर से शायद कुछ लोग गलत जवाब देंगे, तो हमेशा याद रखिएगा जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरस्तु ने नहीं किया था। अरस्तु ने नहीं किया था, बिल्कुल नीतेश श्रीवास उमाशंकर, लैमार्क और ट्रेव रेनस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। ओके बिल्कुल बहुत बढ़िया, अब तो सीख गए दीपक धाकर। तो अरस्तु को किसका फादर कहा जाता है, किस किस का फादर कहते हैं अरस्तु को कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है कि जीव विज्ञान के जनक या फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से कौन जाने जाते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से कौन जाने जाते हैं? अच्छा प्रश्न है, तो हम इसे याद रखें, फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु जी। अब अरस्तु और किस किस के फादर कहे जाते हैं, कौन कौन सी शाखा के फादर कहे जाते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। प्रश्न है कि जंतु विज्ञान या फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से कौन जाने जाते हैं? जंतु विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो हमेशा याद रखें जंतु विज्ञान के जनक भी कौन कहे जाते हैं भाई, जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु को ही कहते हैं। ओके जूलॉजी और बायोलॉजी, कौन कौन, बायोलॉजी के जनक और जूलॉजी के जनक कौन हैं, अरस्तु हैं। तो वहीं पर बॉटनी के जनक कौन हो गए भाई, बॉटनी के जनक भाई थियोफ्रास्टस। ओके आगे बढ़ते हैं। ओके तो पूरे प्रश्न आज की क्लास में मात्र इतने ही प्रश्न, आगे आप बने रहें तेज एजुकेशन के साथ। रोज़ इसी तरह आप लोगों के लिए रात 9 बजे साइंस की क्लास, जेल प्रहरी परीक्षा के लिए स्पेशली, जेल प्रहरी परीक्षा के लिए रात 9 बजे। ओके हम साइंस हमेशा लेकर आएंगे, भले एमपी पुलिस की भर्ती आ जाए, लेकिन जेल प्रहरी का जो पैटर्न है ना, जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिन टॉपिकों से प्रश्न ज़्यादा लिए जाते हैं, हम उसी पैटर्न के अनुसार आपको पूरी तैयारी कराएंगे जेल प्रहरी की परीक्षा होने तक, भले पुलिस की भर्ती आ जाए। पुलिस के बैचेस अलग चलेंगी, ओके उसका स्टडी मटेरियल बिल्कुल अलग रहेगा, उसका लेवल अलग रहता है साइंस का, और जेल प्रहरी का लेवल बिल्कुल भी अलग रहता है। मिलते हैं आपसे कल रात 9 बजे इसी तरह लाइव सेशन में, और काफ़ी वीडियो हम आपके लिए अपलोडेड डाल रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं, तो पूरी वीडियो आप ज़रूर देखा करें। ओके एक दोपहर में अपडेट ले लिया करें, जैसे कि सुबह 7 बजे करंट अफेयर, फिर दोपहर में एक बार खोल के देख लिया करें चैनल को। ओके चलेगा, गुड नाइट एवरीबॉडी एंड स्वीट ड्रीम्स। लाइक जरूर करें भाई, देखिए किसी ने लाइक नहीं मारा है, लाइक करके जाएं। ओके सभी लोग पूरे के पूरे जितने देख रहे हैं ना पूरे।